लाहौर के इलाके जौहर टाउन में धमाका हुआ है। धमाके से घरों के शीशे टूट गए। अफसोसनाक खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। लाहौर के इलाके जौहर टाउन में धमाका हुआ और धमाके से घरों के शीशे टूट गए हैं। ताहाल धमाके की नौयत मालूम नहीं हो सकी और धमाके की जो वजह है वो भी मालूम नहीं हो सकी। लाहौर के इलाके जौहर टाउन में धमाका हुआ है और धमाके से घरों के शीशे टूट गए और धमाके का सोर्स जो है वो ताहाल मालूम नहीं हो सका है। आपको बताएं कि लाहौर इस वीडियो को आप एक मिनट स्किप करके भी प्ले कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम फिर से वापस आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। तो गाइज, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस हमारी बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। गाइज, हम बहुत सारे वीडियोज़ आपके लिए लाते रहते हैं, पूरे न्यूज़ से रिलेटेड जो भी वायरल मटेरियल होता है, जो भी बड़ी बड़ी डिबेट होती है, सबका हम आपके लिए प्रॉपर वीडियो लाते रहते हैं। तो आप हमारे चैनल से बने रहिए। ब्लास्ट हुआ, उस ब्लास्ट की जो सिग्निफिकेंस है, जो अहमियत है, वो बढ़ गई है क्योंकि उस ब्लास्ट के हवाले से ये कहा जा रहा है कि जो कालदम लश्कर तैयबा जो है उसके जो लीडर हाफिज सईद हैं उनकी रहायश वहां पे थी। और ये मैं एक इसको बहुत सारे मीडिया ने भी कवर किया शायद, लेकिन जो पंजाब के इंस्पेक्टर जनरल पुलिस है इनाम गनी साहब, उनसे पूछा गया कि क्या हाफिज सईद की जो रिहायश गाह है क्या मुमकिन तौर पे उसको निशाना बनाया गया। तो उनका कहना यह था कि पुलिस की चौकी की वजह से जो गाड़ी है वो हाई वैल्यू टारगेट की रिहायश गाह तक नहीं पहुंच सकी। अब वहां पे कौन सा हाई वैल्यू टारगेट की रिहायश गाह है, ये ऑब्वियसली एक पॉइंट ऑफ कंसर्न है कि वहां पे हाफिज सईद की रिहायश गाह के हवाले से बात हो रही है क्योंकि ये वहां पे जर्नलिस्ट ने सवाल किया है। लेकिन मेरे लिए मेरे दिमाग में एक सवाल आता है कि ऑब्वियसली हाफिज सईद एक हाई वैल्यू टारगेट है, हाई वैल्यू पर्सनैलिटी है, उनके ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमात हैं, वो जेल में हैं और उनके ऊपर पाकिस्तान को बड़ा मुश्किल वक्त भी उनकी वजह से सहना पड़ा क्योंकि अगर आपको याद हो कि उन्होंने उनके ऊपर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन भी है जो एफएटीएफ ने पाकिस्तान में उस हवाले से काफी काम भी किया कि हमें हाफिज सईद को के मुतल्लक पाकिस्तान ने काफी ज्यादा इंटरनेशनल कम्युनिटी को कन्विंस करने की बात की कि हम उनके खिलाफ केसेस चल रहे हैं। गो कि ये भी कहा जा रहा है कि उनको बड़ा लाडला सा रखा गया है और उनको उस तरह की जेल में नहीं रखा गया, ये भी उनके बारे में सवाल आते हैं। लेकिन ओवरऑल उनका जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर था जो कश्मीर के हवाले से था वो ऑब्वियसली टूट फूट का शिकार है क्योंकि अब वो पुरानी बातें नहीं रही, अब मामलात चेंज हो गए हैं। तो ये सवाल जो मुझे मैं देख रहा हूँ और मेरे लिए ये बड़ा पॉइंट ऑफ कंसर्न है कि ये क्यों इस तरह की चीज हुई कि क्यों उनके घर जो है वो इस तरह के रिहायशी एरिया में है। अगर वो ऑब्वियसली हाई वैल्यू टारगेट हैं तो रिहायशी एरिया में उनका क्या काम बनता है कि वो इस तरह अपने आपको जो बाकी जो लोग हैं उनकी रिहायशगाहों के करीब लेके आए। ये हुकूमत का काम था कि आज अगर वहां पे लाहौर में ये वाकया हुआ है तो उसके लिए क्या कौन जिम्मेदार है। फिर अगर हाफिज सईद की रेजिडेंस वहां पे मौजूद है तो फिर तो मुमकिन है कि इस तरह की चीज हो सकती थी कल को। तो जब हो सकती थी तो फिर उनको अवामी एरिया में रहने का तो कोई तुक नहीं बनता। उनका अगर जहां पे मरकज था, मुरीदके में कहा जाता है जहां पे उनका फॉर्मली हेडक्वार्टर्स था, और वैसे तो अभी भी वो हेडक्वार्टर है उनका, लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि वो अब कह रहे हैं कि हमने इसको फिलेंथ्रोपिस्ट अपरेटस में कन्वर्ट कर दिया है तो वो एक इस तरह की बात चल रही है। उनके ऊपर केसेस हैं, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशंस हैं, अमेरिका ने उनको टेररिस्ट करार दिया हुआ है, ऑब्वियसली भारत के हवाले से वो बड़े हाई प्रोफाइल टारगेट हैं। और ये अगर ये टारगेट वो थे तो ऑब्वियसली मुझे गर्ज उनसे नहीं है, मुझे गर्ज जो है वो अवाम से है कि अवाम के घर क्यों डैमेज हों या अवाम की लोगों की जाने क्यों जाएं या लोगों के घर क्यों टूटें और इस तरह के बंदे को आपने क्यों रेजिडेंशियल एरिया में रखा गया था। मेरा ख्याल है कि ये एक इंतहाई नाइंसाफी वाली बात है इस तरह के लोगों को इस तरह के रेजिडेंशियल एरियाज में उनके घर या उनकी प्रॉपर्टीज या उनकी नहीं होनी चाहिए थी।
दूसरी बात यह है कि हुकूमत ने इनके खिलाफ काफी मुकदमात तो दर्ज किए हुए हैं, लेकिन और इनके ऊपर मुकदमात ना करने की वजह से और इनको प्रॉपरली उस तरह सजाएं ना देने की वजह से नुकसान ये हुआ है कि पाकिस्तान को ऑब्वियसली क्वेश्चन मार्क लगता रहता है और बातें की जाती हैं, जैसे कि इंडिया जो मैं देख रहा था कि जो एम्बेसडर है यूएन में, परमानेंट जो एम्बेसडर है यूएन में, वो कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान जो है वो इस तरह के लोगों को पेंशंस दे रहे हैं और ये बातें चलती हैं, और इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी जारी बात है एफएटीएफ के हवाले से भी हमें बड़ा मुश्किल पड़ी। और मैंने ये भी देखा कि हाफिज सईद की वजह से और उनके इस नेटवर्क की वजह से, जो कि ऑब्वियसली हाफिज सईद को एक लायबिलिटी समझा जाता है पाकिस्तान में, ही इज नॉट एन एसेट फॉर पाकिस्तान बट ही इज ए लायबिलिटी, बट ऑब्वियसली फॉर क्वाइट सम टाइम ये पाकिस्तान की पॉलिसी रही है कि हमें कश्मीर में जिहाद की और ये इनका बहुत बड़ा अपरेटस और नेटवर्क मौजूद था लोगों को रिक्रूट करने में जहाद में, क्योंकि उस वक्त ये जमाना था जब अफगानिस्तान में जहाद अरूज पे था, तो पाकिस्तान के बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि जिस तरह अफगानिस्तान में जहाद जो है वो कामयाब हुआ है और हमने जो है वो सिंगल हैंडेडली सोवियत यूनियन को डिसइंटीग्रेट कर दिया है, गो कि मैं पर्सनली इस चीज से एग्री नहीं करता, क्योंकि हमने डिसइंटीग्रेट सोवियत यूनियन को नहीं किया था, सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हुई थी बिकॉज एक तो उनके अपने इंटरनल वीकनेस थी, प्लस जो अमेरिकन्स ने और सऊदीज ने जो वहां पे मदरसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया और फिर उनको स्ट्रिंगर मिसाइल दिए और क्या क्या ना तालिबान को दिया, तो हमने सोचा कि जो कुछ अफगानिस्तान में हुआ और जिस तरह सोवियत यूनियन वहां पे हुई थी, कश्मीर में भी वो चीज जो है वो की जा सकती है। एंड व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप बैक इन, तब तो मैं बहुत बच्चा था, 96, 97, 98 में, 99 में, लेकिन उस वक्त हम ड्रामे देखते थे बहुत ज्यादा जो पीटीवी पे कश्मीर के हवाले से चलते थे, और पाकिस्तान की तरफ से जो कश्मीर का जो जहाद था वो बड़े अरूज पे था और बड़ी रिक्रूटमेंट हुआ करती थी और लोग जाया करते थे, और दैट वाज अ वेरी ग्लैमरस पीरियड इन टर्म्स ऑफ जहाद पाकिस्तान में, उसको बड़ा ग्लैमरस करके पेश किया जाता था कि जहाद जो है वो बड़ा जरूरी है, और लेकिन आफ्टर 9/11 वो सारी की सारी चीजें वो है वो एक यू टर्न आ गया उस पे, और कोई मुल्क ये नहीं कह सकता कि हम जहाद करेंगे। दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है समाप्त, आप यहाँ से ये वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। तो दोस्तों आज पाकिस्तान में लाहौर में हाफिज सईद के घर के करीब हुआ धमाका ऐसा ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है, और पाकिस्तानी मीडिया ने तो ये ऑब्वियसली वो बोलेंगे नहीं, लेकिन आरजू काजमी ने भी ये ट्वीट किया और बहुत सारे लोग ऐसा ट्वीट कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के कई जो पत्रकार हैं मतलब वहाँ के, वो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, ये एक गैस पाइपलाइन में धमाका हुआ है जिसे इंडियन मीडिया गलत तरीके से पेश कर रहा है, ये उनका नैरेटिव है। और यहाँ पर आपने कमर चीमा का भी सुना। तो दोस्तों आपको बता दें कि आपने एक कहावत सुनी होगी, जिंदा हाथी लाख का, मरा हाथी सवा लाख का। तो मैं मतलब क्या बोलूँ, अब इनडायरेक्टली पाकिस्तान ही मुझे ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ें कराना चाह रहा है कि अगर हाफिज सईद मरेगा तो पाकिस्तान को ज़्यादा फ़ायदा होगा। कैसे होगा, आपको भी पता है कि हाफिज सईद को लेकर इंडिया उसका पाकिस्तान का नाम यूज़ करता रहता है, और इंडिया के पास एक पॉइंट है कि ये हाफिज सईद ये और वो इंडिया करता है, ऑब्वियसली इंडिया का हक भी है ये करने का। और अगर हाफिज सईद मर जाएगा तो इंडिया के पास फिर दूसरा कोई मतलब ऐसा हाफिज सईद जैसा मुर्गा ढूंढना पड़ेगा, हमारे पास अभी एक ही है हाफिज सईद तो उसका हम नाम लेते हैं, अगर ये मर गया तो फिर हमारे पास दूसरा कोई रहेगा नहीं। तो इंडिया तो ऑब्वियसली हाफिज सईद को मारने की कोशिश मेरे हिसाब से अभी इस वक्त पे नहीं करेगा, क्योंकि हाफिज सईद से जितना नुकसान पाकिस्तान को हुआ है उतना शायद हिंदुस्तान में तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, लेकिन अब मतलब उस जो नुकसान के बाद पाकिस्तान को ही ज़्यादा नुकसान हो रहा है हाफिज सईद को पालने से। मेरा ये व्यू है, आपका व्यू और कुछ हो सकता है, मैं ये अपना व्यू दे रहा हूँ। तो हाफिज सईद जब तक जिंदा रहेगा उससे पाकिस्तान को ज़्यादा नुकसान होगा और हिंदुस्तान को फ़ायदा होगा, क्योंकि हाफिज सईद का नाम लेकर हम दुनिया भर में पाकिस्तान को हमेशा निशाना बना सकते हैं, और हाफिज सईद पर जो US डॉलर का इनाम है और वो भी, ये सब चीज़ें हम बार बार रिपीट कर सकते हैं जब तक वो ज़िंदा है। तो दोस्तों अब पाकिस्तान में ये हाफिज सईद के घर के करीब धमाका होता है तो इनडायरेक्टली पाकिस्तानी मीडिया शायद कभी ना कभी टारगेट करने लगे कि ये हिंदुस्तान का दुश्मन है तो हिंदुस्तान ऐसा कर रहा है, इस तरीके की शायद बातें होने लगें पाकिस्तानी मीडिया में, और बहुत जल्द होने लगेंगी आप देखना। तो दोस्तों ये जो धमाका हुआ है, पहली बात तो इस धमाके के बाद जो भी बेचारे मासूम लोग मरे हैं उन लोगों से मेरी ना आपकी किसी की दुश्मनी है, तो वो मासूम लोग बेचारे नहीं मरने चाहिए। और ये धमाका
अगर हाफिज साईद इससे मरता तो डेफिनेटली हमें तो खुशी होती कि चलो यार एक जो हिंदुस्तान के लोगों को मतलब मारने वाला बंदा मर गया। लेकिन ये हिंदुस्तान ये काम नहीं करेगा, मैं गारंटी से दे सकता हूँ। इंडियन एजेंसीज भी ये काम नहीं करेंगे अगर आप दिमाग लगाएं तो ये धमाका कौन करवा सकता है। और पाकिस्तान अभी आप हाल फिलहाल में देखें तो पाकिस्तान को 25 तारीख तक एक फिर डिसीज़न है कि FATF में पाकिस्तान का होना क्या है, ग्रे लिस्ट में भी होना। पाकिस्तान ग्रे लिस्ट को भी पाकिस्तान एक विन विन सिचुएशन समझता है, ब्लैक लिस्ट होना सबसे बेकार सिचुएशन है। और ग्रे लिस्ट से बाहर निकल सकते हैं, दो टाइप की लिस्ट होती हैं, ग्रे लिस्ट एंड ब्लैक लिस्ट, यहाँ पर कोई वाइट लिस्ट नहीं होती है। तो दोस्तों अगर पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में रहेगा तो पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान ही सोचते हैं विन विन सिचुएशन, हालांकि उसमें भी बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन रहते हैं। तो 25 तक हो जाएगा फैसला और भारत के पास एक अच्छा खासा हाफिज सईद और इनके जो टेररिस्ट हैं इनका नाम लेने का मौका हमेशा रहता है, तो वो रहेंगे। तो आपके क्या कमेंट हैं दोस्तों इस बात को लेकर? इंडियन मीडिया ने तो इसे सीधा बोल दिया कि हाफिज सईद के घर के करीब ये धमाका है और ये धमाका से हाफिज सईद बाल बाल बचा है, इस तरीके की बातें इंडियन मीडिया में हो रही हैं। पाकिस्तानी मीडिया हाफिज सईद को लेकर खुलकर कोई भी बात नहीं करने वाला है। ये कमर चीमा जो बोल रहे हैं इसमें भी इन्होंने इतना खुलकर कोई बात नहीं की है। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है समाप्त। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।